अब देखिए, हमने आपको बताया था प्लान में कि हम सेक्शन दो दो का डिटेल आपको वीबीएस बनाना बताएंगे। तो ये सेक्शन दो दो है और इसका ये है क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारी बॉटम मेन बार, ये वाली, इसमें सबसे पहले देखिए, ये हमारी 16 डाया बार है। ये वाला देखिए, हमारा निशान जो है ये 16 डाया है और हमारा 20 एमएम का कवर है इसमें ऑलरेडी, और 16 एमएम ये कवर, इसका कवर, इसके ऊपर ये बार आएगी, तो ये बार के का कवर हो गया टोटल 36 एमएम। ऐसे ही यहाँ टॉप कवर भी 36 एमएम और बॉटम कवर भी 36 एमएम, इसी तरह से यहाँ बॉटम कवर भी 36 और टॉप कवर भी 36, और यहाँ पे हमारा कवर जो रहेगा वो 20 एमएम का रहेगा। इस तरह से ये भी 20 एमएम का कवर रहेगा। ये हमने इसके साइज ऑलरेडी लिखे हुए हैं, शटरिंग साइज, और ये हमारे कास्टिंग साइज हैं ये वाले, और ये कास्टिंग साइज है और ये हमारा शटरिंग साइज है, और ये हमारी डेप्थ है 4 राइजर तो 600 डेप्थ है, और ये 4 ट्रेड 300 × 4 तो 1200। इस तरह से ये हमने साइज इसके ऊपर ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो हमारी जो बॉटम मेन बार है वो ऐसे एल यहाँ से चला और ये यहाँ से आके ये बेंड होके और ये ऊपर चला गया और ये 300 बेंड आ गया। तो ये हमारा जो बार है ये 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर है। इसी तरह से टॉप बार भी 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर है। इसी तरह से यहाँ भी ये 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर है और ये भी 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर है। ये देखिए, हमने ये क्रॉस सेक्शन तैयार कर लिया इसका। ये 230 इसकी डेप्थ है बेस स्लैब की, और ये भी 230 ही है, तो 190 प्लस 20 प्लस 20 तो 230। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये हमारी बॉटम बार का बेंड हम कहाँ से स्टार्ट करें ताकि हमें ये यहाँ 20 एमएम कवर मिले, और इस बॉटम स्ट्रीम पे टॉप बार को कहाँ से बेंड करें ताकि यहाँ भी हमें ये 20 एमएम का कवर मिले। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बनाई है। ये ट्रायंगल है एक, तो ये ट्रायंगल है वन नंबर है। इसमें एक हमारे कवर छोड़ने के बाद 190 एमएम का ये है, तो इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस इसका डबल हो गया 380। तो इससे हमने ये निकाला कि हमारा ये यहाँ से लेके ये, तो ये कर्ण कितना आएगा। तो ये कर्ण निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया ट्रायंगल वन का, 380 प्लस 190 इंटू 190 तो ये आया 425। और हमारी ट्रायंगल नंबर टू, ये जो हमें 20 एमएम कवर के लिए हमें कितना पीछे रुकना पड़ेगा इसको बार को बेंड करने के लिए, तो हमारी यहाँ पे कवर है 20 एमएम का, तो 20 एमएम हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा बेस है इसका डबल, ये बेस हो गया डबल हो गया तो 40 एमएम हो गया। तो 40 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 20 का रूट हमारा ये 45 एमएम इसका कर्ण आएगा। तो हमें 20 एमएम कवर रखने के लिए हमें 45 एमएम पीछे इसको बेंड करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल नंबर थ्री में देखते हैं, ये हमारा कवर है 36 एमएम और बॉटम कवर भी 36 एमएम है, तो हमारा 230 में से कवर 72 एमएम कवर माइनस करने के बाद ये 158 एमएम बना, तो 158 परपेंडिकुलर, और इसका डबल हमारा बेस हो गया 316 एमएम, तो 300 हमने इसका रूट निकाल लिया तो ये हमारा कर्ण आ गया। ये हमारा कर्ण है 353 एमएम, ये 353 ये यहाँ से यहाँ 353 एमएम आएगा। तो इस तरह से हम ये बार का लेंथ निकालने के लिए इसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक 353 एमएम कर देंगे और यहाँ से लेके ये ऊपर 1341 एमएम आएगा। तो और इस तरह से ये 425 एमएम, इसमें यहाँ से हमारी कास्टिंग साइज में हम कैसे, इसमें देखिए, इसमें बॉटम बार का हम बताते हैं। एक ये ट्रायंगल हमारा नीचे वाला बनेगा,
इसमें 36 mm का कवर है तो 36 mm परपेंडिकुलर होगा, तो हमें 36 ये हमारा ये कॉर्नर है हमारा शटरिंग साइज। हम शटरिंग साइज से इस बार को कितना आगे लेके जाएं ताकि हमें 20 mm का कवर मिल जाए, प्रॉपर कवर। तो ये हमारा 36 mm का कवर है, तो यहाँ पे इसका डबल हो गया, ये परपेंडिकुलर का डबल हो गया हमारा बेस 72 mm, तो 72 mm कवर हो गया हमारा बेस 72 mm, और ये हमारा 45 mm कवर रखने के लिए हमारा यहाँ से लेके ये कॉर्नर आया 45 mm, तो 45 और ये टोटल लेंथ है 72 माइनस 45 तो 27 mm हमारा शटरिंग साइज से आगे हम बार को लेके बेंड करेंगे तो हमें कवर 20 mm का मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया इसको। अब इसी तरह से हमने बॉटम बार में निकाल लिया कि हमने 27 mm आगे बढ़ना पड़ेगा, और अब हम अगर इसकी डाउन स्ट्रीम की टॉप बार निकालेंगे तो हमें 27 mm इस कॉर्नर से पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जैसे दिखाई दे रहा है इस कास्टिंग साइज का जो कॉर्नर आता है, इसके कॉर्नर से 27 mm माइनस करना पड़ेगा तो हमारा प्रॉपर बेंड आएगा हमारा। तो हमारा शटरिंग साइज है 2150 प्लस 72 माइनस 45, तो 72 माइनस 45 हमारा 27 mm, तो इस तरह से 2150 में 27 mm प्लस हो गया तो 2170 mm आया। और इसी तरह से हमारा जो ऊपर कास्टिंग साइज है वह हमारा 2.95 mm है, 2.95 mm में हम 27 माइनस करेंगे तो 2.68 mm हमें ये मिलेगा यहाँ पे क्रॉसिंग पे। तो और अब हम अपस्ट्रीम की बार निकालेंगे, अपस्ट्रीम की बॉटम बार टॉप बार की तरह उसमें 27 mm प्लस होगा, और अपस्ट्रीम की बॉटम बार में 27 mm माइनस होगा, तो ये इसका अपस्ट्रीम में वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेंथ निकालेंगे। अब हम मेन ड्राइंग पे चलते हैं ताकि आपको और उसमें साइज दिखा सकें कि कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये बॉटम मेन बार है, ये हमारा बॉटम मेन बार है। ये देखिए, ये एल है, क्योंकि ये सेक्शन है जो ये दूसरी तरफ से काटा हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में हमें ये थोड़ा सा हमने दूसरी तरह से इसका दिखाया है, तो ये यहाँ पे इसका कॉपी बिल्कुल मिरर कॉपी हो गई है। तो ये एल इधर है और ये यहाँ पे इसमें एल इधर है, तो ये 150 रखेंगे क्योंकि 230 डेप्थ है, तो हमने एल इसमें 150 का रखा है। तो और ये हमारी 2150 है, ये बार बार डाया 2150 सेटिंग साइज है। इसमें हम ये देखिए 2150, ये 230 की वाल है, 230 प्लस 2150 प्लस 72 माइनस 45, 72 और 45 का प्लस 23 बचेगा ना, तो ये और एक कवर माइनस कर दिया वाल की साइड से, एक कवर माइनस कर दिया, तो ये इस तरह से 2387 इसकी लेंथ आ गई। तो और अब हम इसका ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक बार का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए 600 प्लस 230, ये हमारा ये डेप्थ है 600, ये दिखाई दे रही है, और ये 230 इसकी ये डेप्थ हमने प्लस कर दी इसमें 230 वेस्ट स्लैब की, माइनस 20 का कवर और माइनस 16 कवर और माइनस 20 कवर और माइनस 16 कवर, क्योंकि बॉटम में एक कवर 20 का है और एक स्टील जो हमारा बार है वो 16 mm का है, तो 20 तो क्लियर कंक्रीट कवर और 16 mm हमारा बार का कवर। इसी तरह से टॉप में 20 mm कंक्रीट कवर और 16 mm बार कवर, तो इस तरह से हमने ये कर दिया और इसको डबल कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हम इसको ये निकालने के हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो इसका डबल होगी, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मल्टीप्लाई वर्टिकल डिस्टेंस अंडर रूट, ये स्क्वेयर रूट निकाल दिया, तो इस तरह से ये हमारा 1694 आया।
और हम इस 1694 को आपको ऐसे भी दिखा देते हैं कि इसमें हमने कैसे निकाला है। ये देखिए, ये 1341 हमारा ये आता है, 1200 / 600 का अगर हम रूट लेंगे तो हमारा 1341 आएगा, और 353 मैंने जो आपको बताया था वो ये हमारा ये 353, तो ये भी 1694 बनता है इस तरह से। और ये 300 mm का ये वाला बैंड है, ये तो 300 mm का बैंड इस तरह से, जैसे हमने पिछली उसमें दिखाया है इसी तरह से इसमें हमने लेंथ निकाल दी। इनको सेल को सिलेक्ट किया सबको, और एक बैंड 90 डिग्री, एक अंडर 19, एक अंडर 90, एक अंडर 90, दो अंडर 90 हैं, तो 2 × 2 चार बैंड हो गए, और चार बैंड, और ये हमारा 12 mm हमने डाया है, तो 4 40 माइनस कर दिया टोटल लेंथ में से, और मल्टी डिवाइडेड बाई 1000 वो मीटर में आ गया हमारा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम की टॉप बार, अब ये डाउन स्ट्रीम की टॉप बार है ये वाली, ये भी 12 डाया 150 पे है, ये वाली यहां से और ये यहां से यहां तक 300 बेंड हुई है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, 150 का एल, और ये देखिए हमने ये सिलेक्ट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, 200 की वाल है, 2.95 मीटर, ये लिखा, ये वाला लिखा हुआ है 2.95 मीटर, 2.95 मीटर, और 72 इसमें हमने माइनस करना है, हमने हम पहले ही बता चुके हैं माइनस करना है 27 mm, तो 72 - 45 हमने 72 को माइनस ले लिया और 45 को प्लस ले लिया, तो 27 mm माइनस हो गया। और इस तरह से ये आगे 380 और 380 का ये रूट हमने कर दिया जो हम पहले आपको ड्राइंग में बता चुके हैं, और एक कवर वाल साइड का एक कवर माइनस कर दिया, तो इस तरह से ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। और यहाँ भी हम ये दिखा दें आपको कि ये कैसे निकाला है, ये देखिए ये हमारा 2.68 मीटर जो हम पहले बता चुके हैं, 210 है ये, 230 माइनस 20 कवर हमने पहले ही कर दिया, और 425 जो हम पहले आपको बता चुके हैं फिगर में, तो इस तरह से ये 2703, ये 2702, तो 1 mm का फर्क हमने ये इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लगा रखा है, इंटीजर लगाने से जो पॉइंट में पीछे आते हैं कैलकुलेशन वो उसमें से हट जाती है, तो इस तरह से 1 mm का ये डिफरेंस आ गया। और ये 300 mm इसका ये बैंड है ये वाला, तो ये इस तरह से बार लेंथ टोटल आ गई। ये हमने इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या किया, ये अपना सेल को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तीनों डायमेंशन सिलेक्ट किया, और इसमें से तीन बैंड माइनस कर दिए, एक 90 डिग्री और एक 90 डिग्री की 2D, और ये जो अंडर 90 डिग्री है तो इसका 1D, तो 3D हमने माइनस कर दिया इसमें से, और 1000 से डिवाइडेड कर दिया, तो इस तरह से इसका लेंथ आ गया कटिंग लेंथ। और अब ये हमारी अपस्ट्रीम की टॉप बार है, अपस्ट्रीम की टॉप बार ये है, ये वाली अपस्ट्रीम की टॉप बार है, ये L, और ये वाली यहां से यहां तक बेंड, ये है 1605, ये 1605 में हम 27 mm प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे हमने हम यहाँ नीचे बता चुके हैं आपको दूसरे फिगर से कि यहाँ इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ये इसमें यहाँ 27 mm हमने प्लस किया था, तो यहाँ भी 27 mm प्लस करेंगे। इसी तरह से इसमें यहाँ माइनस किया 27 mm, तो यहाँ 27 mm माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये लेंथ निकलेगी। ये लेंथ ये वाला हमारा 1694 ये बराबर रहेगा, क्योंकि हम ये पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे इस बार में, तो ये बार यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये 300 ये बैंड है, तो ये वाली पहले हम निकाल चुके हैं, और ये 300 है। और अब ये 1842 कैसे निकाला, तो ये है 230 वाल प्लस 1605 लैंडिंग कासिंग साइज, और 72 क्योंकि हमें 27 mm प्लस करना है, प्लस 72 ले लिया और माइनस 45, तो 27 mm प्लस हो गया, और एक कवर वाल साइड में एक कवर हमने 20 mm का माइनस कर दिया, तो इस तरह से इसकी लेंथ आ गई। तो और ये 150 mm का ये बैंड हम पहले ही बता चुके हैं, तो इस तरह से इसको टोटल साइज कर दिया, और इसमें से एक दो
ये 2D और यहाँ 2D, तो 4D हमने ये 4D माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाई 1000 तो मीटर में आ गया। इसी तरह से हमारी अपस्ट्रीम की बॉटम बार, ये अपस्ट्रीम की बॉटम बार है, ये अपस्ट्रीम की बॉटम बार, ये शटरिंग साइज है 1550 प्लस ये 425, ये वाला 425 और ये वाला 300L, ये ऐसे ये लिखा हुआ है 300L, ये मुड़ा हुआ है बैंड इसमें, तो इसमें ये 300 बैंड है इसमें और ये इसकी लेंथ है, इसमें है हमारी 230 वाल, ये 230 वाल, 1550 ये वाला सेटिंग सेटिंग साइज और 72, इसमें क्योंकि इसमें माइनस होगा तो माइनस 72 प्लस 45 तो 27 mm माइनस हो जाएगा। फिर हमने ये इंटीजर लगा के इसका एक्सटेंशन निकाल लिया, जो ये वाला एक्सटेंशन है यहाँ तक का, तो ये एक्सटेंशन हमारा आ गया और एक कवर हमने इसमें से माइनस कर दिया एंड कवर, ये वाला वाल का, तो ये इस तरह से इसकी लेंथ आ गई। और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखिए 210 ये वाल कवर माइनस करने से 230 में से 20 mm कवर माइनस कर दिया, 210 प्लस 1550 और प्लस माइनस 27, तो ये हम इस बैंड तक आगे, यहाँ क्रॉसिंग तक आगे और इससे आगे 425, तो ये 425, तो इस तरह से 2158, तो 1 mm का फर्क हमारा इंटीजर की वजह से आया, तो ये इस तरह से हमने इसकी लेंथ निकाली, तो 12 mm रहा। और अब हम बताते हैं आपको कि इसमें हम नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं। ये देखिए हमने हमारी जो विड्थ है स्टेयर केस की वो 2 मीटर है और हमारा ये लिखा हुआ है 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो हमने पहले इंटीजर लगा दिया क्योंकि नंबर कभी भी पॉइंटों में नहीं आते, इसलिए इंटीजर लगा दिया 2000 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, एक बार प्लस करते हैं तो इस तरह से नंबर ऑफ बार आ गया। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। और इसके बाद हमारे बाइंडर, बाइंडर कहाँ तक लगते हैं ये हम बता दें, इसमें दिखा रहे हैं आपको बाइंडर, देखिए ये देखिए ये है हमारी लैंडिंग मैन, मतलब ये लैंडिंग में हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है और ये हमारी नीचे से फ्लाइट जो आई है वो है, तो इसमें जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बार लगी हुई है ये 16 mm डाया 100 सेंटर टू सेंटर है ऐसी टॉप में, और इसी तरह इसमें भी 16 डाया 100 सेंटर टू सेंटर है बॉटम में और 100 सेंटर टू सेंटर है टॉप में, तो यहाँ पे हमारा बाइंडर नहीं लगेगा, हमारा बाइंडर सिर्फ ये 8 डाया 200 सेंटर टू सेंटर है, तो वो यहाँ से लेके और यहाँ तक लगेगा और ऐसी ये टॉप बार में यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, और ये भी 2 मीटर क्योंकि हमारी ये जो विड्थ है ऊपर ये 1605 है और हमारी जो स्टेयरकेस की चौड़ाई है वो 2 मीटर है, तो 1605 के बाद भी ये हमारी यहाँ तक जो आएगी वो 16 डाया बार ही आएगी, और इसी तरह से यहाँ तो 2 मीटर हमारा पहले ही कंप्लीट है हमारा, तो यहाँ 2 मीटर तक पूरी हमारी 16 mm डाया बार आएगी, तो इस तरह से जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ का यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें टॉप में और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम में ये हमारे बाइंडर लगेंगे, तो बाइंडर की लेंथ हमारी आएगी 2 मीटर माइनस 2 कवर, हमने 20 mm के कवर कर दिए तो इस तरह से ये 1960 आ गया, और 8 mm डाया है तो ये 8 mm का है और 200 सेंटर टू सेंटर है, तो हम इसका नंबर ऑफ बाइंडर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए मैंने क्या किया है, हमारी ये इंक्लाइंड लेंथ टोटल है ठीक है, इसमें से मैंने ये 600 प्लस 230 और इसका मैंने कर दिया 2 टाइम, तो हमारी इंक्लाइंड लेंथ टोटल आ जाएगी, इसमें कवर पहले ही मैंने माइनस करके हैं, मैंने इसमें से माइनस 200 ओवर कर दिया क्योंकि हमारा 1600 प्लस 400, अगर मैं इसको 400 ऐसे लेके आऊं तो मेरा 2 मीटर पूरा हो जाएगा, 1600 प्लस 400 2 मीटर 5 हो गया, तो 2 मीटर 5 तो हमें इस इंक्लाइंड लेंथ निकालने के लिए अगर मैं मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 है तो मेरी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो 200 होगी, तो मैंने इसमें से 200 माइनस पहले ही कर दिया, तो मैंने 200 माइनस पहले ही कर दिया हर एक उसमें 200, तो इसका डबल ये कर दिया डबल
टू टाइम इंटू टू टाइम ये प्लस वर्टिकल डिस्टेंस इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, और इसको हमने 200 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 200 सेंटर टू सेंटर है, प्लस वन क्योंकि एक प्लस एक बाइंडर प्लस होगा इस तरह से, और फिर हमने टोटल ब्रैकेट को क्लोज करके और टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जितने बाइंडर नीचे लगेंगे उतने ही बाइंडर ऊपर लगेंगे, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ बाइंडर हमने कैलकुलेट कर दिए, तो ये आए 14 नंबर और ये है कटिंग लेंथ इसकी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और अब हम ये इसमें चेयर लगाएंगे, तो चेयर नंबर ऑफ चेयर एज पर साइट हम लगा सकते हैं, ये हम 12 mm की चेयर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद।